हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई और बहनों, फ्रेंड्स, प्यारे बच्चे। आज सैटरडे है, कई स्कूल रहते बच्चों को या नहीं हाफ डे रहता या फुल डे रहता या हॉलीडेज रहता। मैं इस वक्त तो क्या बना रही और बोलते सो कल का डिश कैसा था? भिंडी मसाला, भिंडी अभी भी मसाला खीमा सॉरी मसाला उपमा बना रही है। और क्यों बोले तो पेशेंट्स के लिए, इसके हिसाब से थोड़ा सा अपन ज़्यादा भी हो तो कम करके बना ले सकते हैं। अभी मैं देखिए क्या क्या डाल रही हूँ, उपमा का मसाला उपमा बना रही। सादा उपमा अपन क्या है, प्याज डाल लेते, राई डाल लेते, जीरा डाल लेते, बघार लेके दम दे दे के उपमा खा लेते। उसमें थोड़ा सा मैं मसाला दोसे के टाइप में बना रही सॉरी मसाला उपमा। और सुबह वॉकिंग करके माशाल्लाह नमाज हो गई, फजर की अदा हो गई। और जल्द से जल्द मैं कितना देखो, रमज़ान से मैं एक महीना नहीं गई थी रमज़ान में इबादत में। उसके बाद रमज़ान होते फिर मैं वॉकिंग करना शुरू करी, 79 kg हो गई थी मैं। अब ज़रा ऑयल फूड खाने में, थोड़ा वॉकिंग नहीं करने में, खा लिए इबादत कर लिए बैठ गए घर में, उसमें वॉकिंग नहीं हो रही थी। अल्लाह का शुक्र है 5 kg उतर गई। अभी मैं देखो अभी 2-3 kg या 5 kg उतरना है। सुबह 5 बजे अजान होते हैं, नमाज पढ़ लेके निकल जाती है। अच्छा सा 300 रनिंग के हिसाब से मैं किलोमीटर के हिसाब से चलती, मैं लगा लेके चले जाती, इसका वेट देख लेती इसमें कितना हार्ट बीट चल रहा और मैं कितना वॉकिंग करी, मैं इसके हिसाब से पूरा देख लेके चले जाती। और आई वॉकिंग कर लेके अब सुबह नाश्ता क्या बनाना सोची, थोड़ा सा मैं भी फ्रेश अप हो गई और थोड़ा सा दूध पी ली। अब इसके बाद मैं उपमा बनाऊंगी, खाऊंगी, देखेंगे आप लोग को मैं बता रही कैसा कैसा है, क्या है, मैं के साथ कैसा खाना। थोड़ा सा मेरा मैं ले रही ज़रा वीडियो, थोड़ा बोलने में गलती हुई सॉरी, बताने में भी गलती हुई सॉरी। अब मैं थोड़ा अपनापन बना लेना, चला लेना, थोड़ा सा मेंटेनेंस कर लेना अकेले, ज़रा होती गड़बड़ कन्फ्यूज, उसको थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिए प्लीज़। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, फॉलो करिए। देखिए मैं भी बता दी थोड़ा सा, थोड़ा मेरा फेस भी नहीं दिखा तो चल जाता आप लोगों को। ये फुल्ले चने, थोड़ी हरी मिर्ची फ्राई कर ली मैं, इसमें निकाल ले हरी मिर्ची, फुल्ले चने थोड़ा सा फ्राई कर ली, भून ली। मसाला उखमे में चटनी खाने से कैसा मज़ा आता है उसलिए बता रही आप लोग को। मसाला उपमे के साथ चटनी क्यों बता रहे समझिए आप लोग, मसाला उपमे के साथ चटनी खाना अच्छी चीज़ है। कच्चा खोपरा है, इसमें से नमक डाल के थोड़ा सा ग्राइंडर कर लेके, इसमें डाल लेके ग्राइंडर करके लेके आती हूँ, उसको बताती हूँ अब रहा क्या है मसाला उपमा कैसा बनाते हैं। देखिए मैं इसमें ज़्यादा सा नॉन स्टिक कुकिंग में कढ़ाई में बनाती ना फ्राई करती, सो कढ़ाई इस्तेमाल करने से ज़्यादा चिपक जाते रहता, थोड़ा सा बना देती हूँ। मेरे को ये पसंद कढ़ाई, इसको मैं कल क्या करी पूरा साफ कर ली, बहुत महीने में एक बार पूरा अपन आयल के सरका जम जाता है, इसको पूरा साफ कर लेके नीट कर ली। और बोलते सो इसको तवे को भी पूरा नीट बना ली, महीने में एक बार ऐसा साफ कर लेती। मेरे को इसमें बना के मेरे को बहुत पसंद आता है, क्यों बोले तो जल्दी से फोल्डिंग होते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी अपन चटनियाँ बनाना है कुछ भी तो इसमें फ्राई कर ले सकते हैं। थोड़ा सा कल मैं नीट कर ली इसको, थोड़ा अपन अभी ईद भी आ रही ना माशाल्लाह। क्या करना,
चढ़ा दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं कैसा बनाना बताती हूँ। मसाला उठने के लिए टमाटर, प्याज, कच्चा बटाना, आलू, कैरेट, हरी मिर्ची, करिया पात, कोथमीर, कच्ची अदरक मैं डालते सोटे बताती। मसाला उपमा क्या क्या डालना, रवा है 1/2 किलो, 1/2 किलो से थोड़ा कम है, मैं इसको भून लेना पहले। देखिए ऐसा डाल देना, ऐसे सब भून लेना, इसको अच्छा सा भून लिया तो क्या होता अपने को अच्छा रहता है। और क्या है तो मसाला गिरा, क्या क्या डालना मसाला उपमा में, चने की दाल, मूंग की दाल, राई, फल्ली, थोड़ा सा घी, ऐड मैं भूल गया था आप लोगों को बता देते, थोड़ा सा ये इसमें गिरा है हरी मिर्ची का। आप लोग क्या क्या रहे नाश्ते में, आप लोग माशाल्लाह इबादत हो गई होंगी, फजर के बाद अज़ान का इबादत और नाश्ते की तैयारी हो रही होगी आप लोग के पास। मैं तो सुबह ज़रा जल्दी नाश्ता बना लेती, नाश्ता खाने की तैयारी कर लेती। आज उपमा ऐसा मसाले का उपमा बना, मैं ऑलरेडी पहले डिश में सादा उपमा बताई थी, खाली ये मसाला उपमा बना रही कैसा बना, ठीक है। देखिए मैं क्या डाल रही, देखिए थोड़ा सा आए हो गया, आधी प्यारी लगता तो देसी घी डाल, दो चम्मच मैं यहाँ से ऑलरेडी रवे को भून ली, अच्छा सा भून के ये रख ली। इसका मोटा बम्बई रवा है तो अभी अपन जो हरीज बनाते ना उसके भी उपमा बहुत अच्छा होता है और इससे भी वो ताकत है ज़्यादा खाने से। देखिए फल्ली, हल्दी, अपनी मर्जी काजू भी डाल ले सकते हैं आप अपनी मर्जी, जायके के हिसाब से। हल्दी, इसमें चने की दाल, माश की दाल, राई, यही बोलते नहीं काजू डाल ले सकते और जो चीज़ अपने को खाना दिल बोला वो खा सकते इसमें, यही डालें यही डिश बोल के मत समझिए। हर इसमें तक नया मसाला डोसा मैं सब बना रही, हो गई। इसके बाद प्याज, चाय बना रही नाश्ते के बाद चाय पीना है। थोड़ा सा मौसम थोड़ा सा दो दिन से पानी पड़ रहा, थोड़ी सी मैं अदरक का पाउडर डाल दूँ, बहुत अच्छा होता है। थोड़ा सर का दर्द होने अपन जरा सुबह वॉकिंग जाते ना हवा में तो मैं जरा बना दूँ। मेरा पेन नहीं दिख रहा हूँ आप लोगों को, उसके बाद आलू, कैरेट, बटाना, कच्चा बटाना, हरा बटाना नहीं कच्चा बटाना, मैं पर फल्ली तोड़ के मैं रखी से हूँ, हरी मिर्ची, थोड़ा
मसाला चटनी, इसके साथ चटनी डालना, एक करी का टुकड़ा, मसाले का अचार का टुकड़ा रख लो, अच्छा है बॉक्स में रख लेते जाइए आप लोग। थोड़ी सी हल्दी, आप लोग मर्जी डाल ले सकते, मैं हल्दी बोली ना आप लोग, मैं हल्दी ज़्यादा खाती हूँ, हल्दी खाने से बहुत अच्छी चीज़ रहता है, मैं ये मसाले उसमें में डाल सकते हैं, बहुत अच्छा इसका फ्राई होना। करिए टमाटर, नमक अपने हिसाब से जायके से डाल दीजिए आप लोग, अदरक भी मैं यहाँ से थोड़ी देर के बाद अदरक यहाँ डाल के मैं बता दी आपको, नमक 1 चम्मच, नहीं डाल सकती चमचा है, बहुत अच्छा होता है तुम्हारे ये सारा अपने को खाना है, खाली उपमा खा ली, इसलिए मेरी ताकत है, इसलिए मेरी ताकत है, जरा अच्छा सा फ्राई हो गया इसको, थोड़ा सा पानी रवे के साथ आधी ग्लास, ज्यादा डाले तो पतला हो जाता, आधी ग्लास थोड़ा सा बस लग जाता, नपरा हो गए बस बता दें। देखिए वे रवा डाली, देखो वो अच्छा सा रवा डाल के इसको पानी में, आपको बताई 2 ग्लास पानी डाल लो आप लोग 1 किलो रवे के हिसाब से, ऐसा चटनी पीस के लेके में कोथमीर, अरे ये अच्छा रहता है, इसके साथ खाने से बहुत टेस्ट आता है, इसको अच्छा सा थोड़ा सा नरम हो जाना, दम हो जाना, मैं आप लोगों को बता दूँ, मसाला उपमा थोड़ी से दम हो जाएंगे, ये जरा अच्छा दम हो गया तो अपने इसमें ठीक है, रखती हूँ थोड़ी देर के बाद बता दी आपको। देखिए बन गया अभी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रिज़्क में आलादा फरमाया, देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नाश्ते की तैयारी, सोट की चाय, मसाला उपमा दिख रहा ना आप लोग को, मैं यही ठहर के ले ले रही, इसके ऊपर अपने ऐसा बना के थोड़ी सी चटनी लगा लेके खा सकते हैं, रहें देखिए ऐसा करके अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा उपमा, मसाला उपमा अभी नाश्ते में हो गया, लंच में खीरा, ड्रैगन फ्रूट, चना, ये नाश्ते में खा लेना, क्या बोलते सुबह नाश्ते में भी फ्रूट्स ना, नहीं लंच में भी खा सकते, थोड़ी देर के बाद खा सकते नाश्ता के लिए, बस देखिए
बहुत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हकीकत अच्छा हुआ मसाला उपमा। देखिए ठीक है, रखिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, फैलो करिए, और मेरे भाइयों और बहनों ये डिश कैसा था इसके लिए कमेंट्स लिखिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, दुआ की गुजारिश।